गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 प्रश्नावली आपका 11.3 जिसमें प्रश्न नंबर है 14। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14 और 2-15, ठीक है, दोनों क्वेश्चन। तो देखिए पहले प्रश्न नंबर 14 देखें तो दे रहा है कि एक वृत्ताकार फूलों के बागीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फुहारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। जैसे देखिए क्या है कि एक बगीचा है और इस बगीचे का क्षेत्रफल क्या है, 314 मीटर स्क्वायर पूरा है। इसका क्षेत्रफल पूरा आपको दे रखा है कितना मीटर है, और दे रहा है कि इसके बीचों बीच इसके सेंटर में 12 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल का ये फुहारा बैठाया जा रहा है, और ये फुहारा जो बैठ रहा है तो यहाँ से 12 मीटर दूर तक पानी छिड़काव कर सकता है चारों तरफ। यानी कि जो फुहारा है तो इस वृत्त के या केंद्र से 12 मीटर दूर तक क्या कर सकता है, पानी का छिड़काव कर सकता है। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि क्या फुहारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा, और पाई बराबर 3.14 लीजिए। यानी कि जो फुहारा बैठा है वृत्ताकार बगीचे के बीच में, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो फवारा पानी छिड़काव करेगा तो इस पूरे बगीचे को पानी छिड़काव दे देगा, या बगीचे से अंदर ही इसका पानी रह जाएगा, या बगीचे से बाहर पानी जाएगा, या पूरे बगीचे को पानी दे सकता है छिड़काव। तो देखिए पहले हम क्या करें कि इसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल जो 12 मीटर त्रिज्या वाला छिड़काव कर रहा है, जो फवारा छिड़काव कर रहा है, इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें और 314 से ज्यादा अगर आ जाए, अधिक आता है, तो यानी कि इस वृत्त से बाहर तक पानी जा रहा है, यानी कि इस पूरे बगीचे को क्या करेगा, पूरे पानी छिड़काव कर देगा, और 314 से अगर कम आता तो क्या कि पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव नहीं कर पाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए तो लिखेंगे फवारा के लिए दिया है, तो दिया है हमें आर त्रिज्या दे रखे हैं 12 मीटर, ठीक है, और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे हमें दे रखा है कि 3.14 ही लिखना है, तो लिखेंगे 3.14 गुणे आर हमें दे रखा है 12 मीटर, तो लिख देंगे 12 गुणे 12, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे, तो 12 बराबर 144 हो जाएगा, और 3.14 गुणे 144, और इसका हम क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 314 गुणे 144। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल आ गया, 1, 4 एकम 4 और 1 हासिल था 5, 4 3 12, 4 यहाँ पे भी है, यानी कि सेम उत्तर जाएगा, तो 6 5 2 1 1 है तो लिख देंगे 4 1 3, एड कर देंगे तो 6 6 5 11 का 1 हासिल आ गया, 1 5 4 9 1 हासिल था 10 10 2 12 का 2 हासिल आया 1, तो 2 2 4 और 1 हासिल 5 और 3 1 4। दसमलव क्या है कि 2 अंक बाद है, तो 2 अंक बाद दसमलव लगा देंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए यहां पे थोड़ा सा कि जो फवारा है तो फवारा पानी छिड़काव कर सकता है 452.16 मीटर स्क्वायर तक, जबकि उस बगीचे का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कि 314 मीटर स्क्वायर है, यानी कि बगीचे के पूरा पानी क्या करेगा, छिड़काव कर देगा, क्योंकि बगीचे इसके जहां तक ये पानी फेंक रहा है उससे कम ही है। यानी कि जैसे देखिए जो फवारा है तो मान चलिए यहां तक पानी फेंक रहा है केंद्र से, सेंटर से चारों तरफ यहां तक पानी फेंक रहा है, और इसका क्षेत्रफल हमें आ रहा है 452, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या है कि 314 ही दे रखा है, यानी कि जो दूसरा है तो 314 ही है, यानी कि हमें बगीचे से बाहर तक भी पानी क्या कर रहा है, दे रहा है, जबकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि बगीचे तक पानी चला जाएगा कि नहीं, तो सिर्फ हम लिख देंगे कि हाँ पूरे बगीचे को पानी छिड़काव कर सकता है। देखिए आकृति आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों
ठीक है, अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। ऑलरेडी इधर फिगर दे रखा है और इस फिगर में दो वृत्त आपको दिख रहे होंगे, एक अंदर वृत्त है और एक बाहर वृत्त है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इन वृत्तों का परिधि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में 15। तो देखिए, तो परिधि पूछा है, तो पहले हम लिख लेते हैं बड़े वृत्त के लिए और बड़े के बाद फिर छोटे, दोनों का अलग अलग निकाल देंगे। तो लिखेंगे बड़े वृत्त के लिए, और देखिए परिधि पूछा है तो लिखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर 2πr, ठीक है, और पाई हमें दे रखा है कि 3.14 लेना है, तो 3.14 लेंगे और आर हमें चाहिए। तो ऑलरेडी आप देखिए बड़े वृत्त की जब बात किया है तो सेंटर तो दोनों का सेम ही है, तो क्या है कि बड़े वृत्त की बात किया है, तो जब बड़े वृत्त की बात किया है तो यानी कि यहां से लेंगे लास्ट तक, यानी कि 19 हो जाएगा, इसका आर आपको हो जाएगा 19। तो लिख देंगे 2×3.14 आपका हो गया 19। तो देखिए गुणा कर देंगे तो 19 × 76 का 6 हासिल आया 7, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 का 6 और हासिल आया 2। उसके बाद 19 किया 57 और 2 हासिल था, यानी कि हो गया 59। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और इधर 2 गुणा में है तो गुणा लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि इसका गुणा कर देंगे, तो 6 दुना 12 का 2 हासिल आया 1, 6 दुना 12 और 1 हासिल 13 का 3 हासिल आया 1, 9 दुना 18 और 1 हासिल था 19 का हासिल 1, 5 दुना 10 और 1 11। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी किसका हो जाएगा 119.32 मीटर, ठीक है, यानी कि बड़े वृत्त का परिधि जो है 119.32 मीटर होगा। अब हमें क्या है कि छोटे वृत्त का निकालना है, तो ध्यान से देखिए, तो यहां पे लिखेंगे 119.32 मीटर। अब छोटे वृत्त के लिए हम लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए, तो देखिए छोटे वृत्त की जब बात किया गया तो इसके केंद्र से लेके यहां तक 19 है, ध्यान समझिए, जैसे सेंटर से लेके बाहरी तक 19 है, और क्या दे रखा है कि इतना इस छोटे परिधि और बड़े वृत्त के परिधि के बीच में डिस्टेंस जो है 8 मीटर है या 10 मीटर है, तो यानी कि इसके केंद्र से इसके बीच की दूरी कितना आ जाएगा 9 मीटर, ठीक है। तो लिख देंगे 2×3.14 और आर हमें कितना मिल गया है 9, तो लिख देंगे 9, गुणा कर देंगे इसका, तो 9×36 का 6 हासिल आया 3, 9×9 और 3×12 का 2 हासिल आया 1, 9×3 = 27 और 1×28, 2×5 = 2×5 लगा देंगे गुणे 2, फिर 2 से गुणा कर देंगे तो 6×12 का 2 हासिल आया 1, 2×4 और 1 हासिल 5, 8×16 का 6 हासिल आया 1, 2×4 और 5, 2×5 है तो 2×5 लगा देंगे, यानी कि 56.5 मीटर। और हमसे ये पूछा था कि आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए, तो ध्यान से ये तो छोटे वृत्त जो है अंत वृत्त हो गया, तो लिखेंगे अंत वृत्त का परिधि बराबर 56.52 मीटर, और बाह्य वृत्त का लिखेंगे बाह्य वृत्त का परिधि बराबर 119.32 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।